उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव करणारे ठराव मंजूर झाले. पण दोन अत्यंत महत्वाचे राजकीय ठराव या कार्यकारिणीमध्ये मंजूर झाले. त्यातला पहिला ठराव क्रमांक 5 तो ठराव असा आहे की शिवसेना ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आहे व राहील. शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच प्रखर हिंदुत्वाच्या विचारांचे जे धोरण आहे ते पुढे घेऊन जाईल. त्या विचाराशी कधी प्रतारणा झाली नाही आणि होणार नाही. शिवसेना अखंड महाराष्ट्राचा आणि मराठी अस्मितेचा जो विचार आहे त्याच्याशी कधी प्रतारणा करणार नाही, यापूर्वी केली नाही. त्याचबरोबर या ठरावात पुढला जो विषय तो महत्त्वाचा आहे, ज्यांनी शिवसेनेशी बेमानी केली ते कोणत्याही पदावर असतात त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार हे माननीय उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख यांना देण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला आणि त्यानुसार कारवाई होईल. दुसरा ठराव जो आहे ठराव क्रमांक 6, त्यात स्पष्ट आम्ही सांगितलेलं आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेला वापरता येणार नाही. हे नाव शिवसेनेचं आहे, ते शिवसेनेबरोबर राहील. कोणताही बेमान कोणताही गद्दार ह्या नावानं अशा प्रकारे आपलं राजकारण आपला स्वार करू शकत नाही. त्यानंतर भाषणामध्ये माननीय उद्धव ठाकरे यांनी एकच मुद्दा जो महत्त्वाचा मला वाटतो तो मांडला, जर तुम्हाला मतं मागायचे आहेत तर तुमच्या बापाच्या नावानं मागा, शिवसेनेच्या बापाच्या नावानं मागू नका. एकनाथ शिंदे कारवाई काय करणार, पक्षाकडनं कारवाई काय करणार, तुम्हाला आज शिवसेनेच्या पदावर कोण राहतं या संदर्भामध्ये ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं, ये रेजोल्यूशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख के खाते जो काम किया है उसका गौरव भी किया है. शिवसेना के लीडरशिप के उद्धव जी के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो. लेकिन दो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं भाई उस बारे में आपको बताता हूँ. जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की है और रहेगी. ये शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं. शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो ये इस रेजोल्यूशन में कहा है. दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाळासाहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा. आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है
अगर जो छोड़ कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। कायदेशीर लड़ाई पूर्णपणे सुरू आहे। शिवसेना काली मी सांगितलं लड़ाई सुद्धा आम्ही लढू, आणि कायदेशीर लड़ाई सुद्धा शिवसेना कुठेही कमी पडणार नाही। दोन्ही लढायांमध्ये फक्त शिवसेनेचा विजय होईल। महाविकास आघाडी एकजूट आणि एक संघ आहे। शिवसेना की ये लड़ाई अब बाप बाप पर आई। संजय राउत कह रहे हैं उनके अंदर अगर हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर मांगे वोट। हमारे बाप यानी कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर नहीं मांगे वोट। कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है शिंदे गुट के लिए। कल युवा सेना की कार्यकारिणी की बैठक भी शिवसेना की ओर से बुलाई गई है यकीनन सेना भवन में। ये जो बैठक शाम 5:30 बजे होगी उसमें आदित्य ठाकरे की ओर से जो संबोधन होगा वो क्या कहेंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कल तक बैकफुट पर रहने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। शिंदे गुट को सीधी सीधी चुनौती, और यहां पर डिप्टी स्पीकर ने अब 16 विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। जरा सोचिए अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर आंकड़ा सिमट जाएगा, और इसके साथ ही दल बदल के जिस कानून को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शिंदे वो घट जाएगा। कुल 27 चाहिए होंगे उन्हें बहुमत के लिए, दल बदल के लिए हो जाएंगे उनके पास 22, और ऐसे में पासा पलट जाएगा जिसकी रणनीति उद्धव ठाकरे की ओर से अपनाई जा रही है।